Oi, 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 oi! ऊपर से बंसी भाई का अलग सीन चालू है। गले पे मारा कुछ तो हुआ है। ओस्मान भाई शायद इधर ही से ना चलते उन्होंने तीर मारा। भाई गए अभी तो ये अभी तो कोई नहीं बचे। अब नहीं बचे। चलो अच्छा हुआ। ये भागी। वो भागी
निकल नहीं हुआ वहां पे कहीं हो वाला ये देखो उसको पकड़ो कोई गैया ढूंढो हां अभी नहीं आता है के पास जाओ कोई मारना नहीं तो वो जा रही है कारगुल के पास बोरान बोरान संभालेगा उसको मैं अपनी अपनी बीवी को संभालो और तन भाई गए बाला के पीछे बच्चा बंदी भाई खून मत देगा कभी लेके लेके जाओ भाई मुझे तारगुन किधर भाग गए पहले तारगुन इनके पीछे अभी इनके इनके पीछे तारगुन इनके पीछे मुझे तार अरे भाई उल्टा हो गया ओए 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 घोड़ा ने क्या ना पैदल क्यों आया पैदल थक जाए इधर नहीं आता घोड़ा अभी तक मरे नहीं सारे इतने सारे थे वो भाग जाने का ना क्यों लड़ रहे क्या कुलाड़ा चलाता है भाई ये भी है तुम ठीक हो जाओगे बच्चा भाई ब्लड लॉस हो गया जल्दी लेके जाओ उसको ठीक हो जाओगे ये सब बोल के खुद को नहीं थकाओ तुम फिक्र ना करो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तुम ठीक होगी होंचा मुझे लगता है टारगेट का आज लास्ट डे है ये नहीं खाना ये घोड़ा छुपा के रखा था इसने वहां पे एक्स्ट्रा घोड़े छुप रखती है जगहों पे अलग अलग टारगोन अभी क्या हाथ में आएगी भाई कितना भाग गया ना चलो टारगोन बहुत जल्द दोबारा मुलाकात करेंगे टारगोन बेचारा आसमान में पीछे पीछे भाग रहा है थकते नहीं है लोग भाई कितना स्टैमिना है इनका भागे बताओ क्या हुआ था तारगुन ने उसने हमला किया था हुंचा बुरी तरह जख्मी है आसमान अभी ऐसे आई इधर इधर से भी भाग गई अभी भाई बेचारा क्या पीछे पीछे भागते रहे बस भाई इतनी दूर बेचारा भाग के आया इसके पीछे कहाँ रह गए हो गुप्तो गुप्तो अच्छा कहाँ हो माला किधर है चली गई तो भाई इतनी जल्दी निकल गए भाई छू हो जाती है अरे छू मंतर उसकी सहेली है ना
फिर से पैदल गए वो अभी। कुछ पता चला कि क्या हुआ है? समझते हैं। जिस कारवां का हम इंतजार कर रहे थे, तारकुन ने उस पर हमला कर दिया। ये तुम क्या कह रही हो खातून? हाँ, क्योंकि उस्मान के दिल में वो दाखिल ना हो सकी, इसलिए उसने बाला को ही रास्ते से हटाने की कोशिश की। अक्सु जख्मी हो गई है, वो उसे कबीले लेकर आए हैं, उसी ने बताया है सब कुछ। निकोला, निकोला क्या? क्या आप इस बारे में जानते थे? वो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? इनके अभी डर पड़ गया। आ जाओ। उस्मान साहब बाला खातून को ले आए। वो कैसे है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मुंजा खातून बुरी तरह जख्मी है। मैं उस्मान साहब से मिलकर आता हूँ। एक मुसीबत जाती है, दूसरी आ जाती है। लीना, तुम नहीं जानती, जब तक उस्मान इस कबीले का सरदार है, ऐसा ही होता रहेगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए। मुसीबतें उस्मान साहब की वजह से नहीं, निकोला की वजह से। गजल खातून, ओए भाई चेंज हो गई अभी। आप नहीं जानती। चेंज हो गई। लीना, पार्टी बदल ली इसने। उस्मान साहब मेरे भाई और बाला मेरी बहन है। हाय 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 हाय। आपको ये जान लेना चाहिए। ये दुंदार बे को इतना स्पेशल तंबू क्यों दिया हुआ है? इनका छोटा सा खेमा होना चाहिए यार। इतना बड़ा दे दिया। इतना बड़ा था। तो स्पेशल तंबू दे दिया इनको यार, अलग ही करते। छोटा देने का। छोटा सा तंबू दो इनको, इनका खुद का मजलिस है वो, अपना कुछ भी मीटिंग वीटिंग करने को डायरेक्ट मीटिंग रूम में भाई उसका। हाँ। डायरेक्ट उधर वो कर सकता है, वो क्या बोलते हैं उसको, जिरके विरके कर सकता है, प्रोग्राम वगैरह। गलत है भाई, बंद करो, ये गद्दार है। सो गाइज, ये था हमारा रिएक्शन। बहुत ज़बरदस्त वीडियो था, बहुत इंटरेस्टिंग सीन था। बंसी भाई, बाला खातून, उस्मान बे, तीनों का अलग लेवल जर्क होता है भाई, अलग मज़ा आ गया, मज़ा आ गया एपिसोड देख के, है ना। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।